जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जा रहे हैं खुश रहे, आपके गांव से भी ठीक ठाक है। आज है संडे का दिन, तो बादल देखो किस तरह से आए हैं, एकदम से धूप आती है और एकदम से छांव आती है। तो हमने कहा अपनी वीडियो कास्ट करते हैं आज छत से। छत से क्यों? क्योंकि मैं आई थी छत पर कपड़े देखने, क्योंकि मैंने सुबह लगाई थी मशीन, क्योंकि हवा इतनी है आज, इतनी हवा कि एक कपड़ा रस्सी पर निकल रहा। मैं तीन दफ़ा रस्सी पर कपड़े डाले गई, आप हमारे कपड़े चेक करो, सारे हवा से उड़ के सारे नीचे, सारे कपड़े दोबारा मट्टी मट्टी हो गए हैं और बादल आ रहे हैं। तो धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी आती हूँ कपड़ों को मैं उठाती हूँ और मैं बनाने लगी थी अभी खाना। सही है, कपड़े देखो सारे नीचे आके गिर गए हैं, हवा बहुत तेज़ है आज। ठीक है, मैं चलती हूँ नीचे, बनाते हैं खाना। यहाँ पर बन रही है चाय, सही है, और मैं भी लेके आई थी सोडा, लेके आई हूँ आज मैं बैंगन, टमाटर, धनिया और लेकर आई हूँ चने, क्योंकि भूख लग रही थी तो ये लेके आई हूँ मैं चने। और यह है सफ़ेद जीरा और यह है दूध। ठीक है, दूध डालती हूँ पहले चाय में, तो फिर बनाते हैं भरवा बैंगन। आँखों में जलन हो रही है मेरे। ये तो ये है नमक मिर्चे, इनको करेंगे मिक्स और बैंगन को काट के बैंगन को भरेंगे। तो ये है चने, तो पहले खाते हैं चने, तो फिर बाद में करेंगे बैंगन को काम। देखो तो नमक मिर्चों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसकी रेसिपी हमने पहले ही अपने चैनल पे दी हुई है और आज हम यही बना रहे हैं दोपहर में। बैंगन को काटते हैं, यहाँ से गोल वाले बैंगन होते हैं ना, उसके अच्छे बनते हैं बैंगन, गोल वाले आ नहीं रहे अभी। सही है बिल्कुल। बस ऐसे काटते हैं सबको, अच्छा, और ऐसे चीरा लगाएंगे। ये देखो ऐसे चीरा लगा के इसको बीच में दो पीस कर लेंगे, बड़े है ना, और फिर इनको खोल के ऐसे जो ये रखा मसाला, ये मसाला भर देते हैं इसके अंदर। सही है, सारे बैंगनों को ऐसे तैयार करके रखते हैं। ठीक है, अभी अजान हो रही, बाद में मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने बैंगन जो अपने सारे तैयार कर लिए, ठीक है, और टमाटर भी काट लिए। तो इसको बनाते ठहर के पहले मैं बनाने लगी हूँ पराठा, क्योंकि उनको लग गई है भूख मैडम को। पहले मैंने इसको बना कर देती हूँ पराठा, रात जो बनाई थी मैंने कलेजी, कलेजी बनाई थी, सारे मैंने गर्म कर दिया। थोड़ा पीछे हटो ना, आज काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए इसको समझ नहीं आ रही थी पकाने की, तो आज मैंने कहा चलो ये पका लेते हैं, जल्दी भी पक जाएगा। से बनाते हैं पराठा, फिर बनाते हैं खाना, जल्दी बन जाते हैं बैंगन, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। चलो मैं पराठा बना लूँ, तो फिर मिलते हैं। पराठा बना लेते पहले, फिर उसके बाद मिलते हैं। खाना बनाने के बीच में आ गई, अपना पराठा लेके, पहले पराठा बना दो। नाश्ता किया इन लोगों ने आज देर से, फिर इनको जल्दी भूख लग गई है। उमर अभी सो रहा है, क्योंकि उमर की आवाज़ नहीं आ रही होगी, उमर सो रहा है अभी। अभी बनाते हैं बैंगन और फिर खाते हैं, बहुत मज़े के बनेंगे बैंगन। और ये लोग तो खा रहे हैं कलेजी से पराठा, करते हैं कम, और इसको ऐसे हटाती हूँ मैं और उसके ऊपर रख लेते हैं कढ़ाई। चाबी निकाली, ये लो, ये देखो ये बन गया हमारा पराठा। ठीक है, और ये रही कलेजी, अब जाओ और जाके खाओ। ठीक है, अब इसमें मैं डालती हूँ, सबसे पहले डालूँगी घी, क्योंकि तेल ख़त्म हो चुका है, तो मैंने क्या घी में बनाती हूँ, वरना हम तेल इस्तेमाल करते हैं, कभी होता है घी में बनाती हूँ, कभी तेल में बना लेती हूँ, तो कम ही डालेंगे इसमें। ये हो जाता है, ये डालेंगे इसमें सफ़ेद जीरा वगैरह। ठीक है सैफ, क्या कर रहे हो? उम्र का ख्याल रखना, उठ गया था वो, देखो कपड़े ऊपर से फेंके तो वहाँ अटक गया, तो ये वाइपर से निकालने में लगा, ऊपर सारे कपड़े नीचे फेंक दिए बच्चों ने। ठीक है, ये हो गया गरम,
इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। दोपहर में वैसे बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं, इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। फिर कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, मिर्चें हैं और हल्दी है, ठीक है। हमने ये वाली मिर्चें भी ली हैं कुटी हुई, ठीक है। ये हो रहा है हमारा तैयार। इसमें प्याज भी नहीं डलेगी, लहसुन वगैरह कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ ऐसे डल के, और डल जाएंगे टमाटर। टमाटर ये कम है, टमाटर इसमें ज़्यादा डलते हैं। और हरी मिर्चें भी, हरी मिर्चें मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों के मुँह में आती है, फिर वो खाना बीच में छोड़ देते हैं। अब हम इसमें मिर्चें वगैरह कम डालेंगे क्योंकि तो हमारी मिर्चें वगैरह ना इसमें बैंगन के अंदर मिर्ची वगैरह भर के हम लोगों ने ज़्यादा बनाए हुए हैं, तो इसलिए हम ये कम डालेंगे मिर्चें। बाकी इसमें डालते हैं हल्दी, नमक भी कम डलेगा। नमक भी देखें कितना सा डाल रही हूँ मैं, बस इतना सा, ठीक है। मिर्चें और नमक उसके अंदर तेज़ है, और ये वाली मिर्ची टोटल हमने एक चम्मच मिर्ची को डाला है, आधा ये आधा ये, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मिर्ची है। अगर इसमें तेज़ मिर्ची डाल देंगे तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा बच्चों से। टमाटर अभी महंगे इतने हुए, टमाटर 400 रुपये किलो हुए हैं, तो इसलिए मैं टमाटर हमेशा इसमें ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी बनती है ना, तो इसलिए मैं आज दो ही टमाटर के मेरे पास रखे हुए, तो मैंने ये भी डाल दिया। मैंने चलो बना लेती हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे टमाटर हो तभी खाना बनेगा। सही है, इनको हटाते हैं चीज़ों को। और मैंने अभी तक अपनी चाय भी नहीं पी है, चाय भी पीते हैं और इसको भी करते हैं मिक्स। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें अपने बैंगन रखे, इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है। 5 मिनट के दम देंगे, फिर उसके बाद आके हम अपने बैंगन को पलट लेंगे, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा इन बैंगनों को पलट लेंगे, और फिर हमारे ये बैंगन तैयार हो जाएंगे। अभी इसमें मारते हैं पानी का हल्का सा छींटा, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो तो थोड़े से सोख कर जाए इसके अंदर। देखिए ऐसे ऐसे खुश करते हो उस हाथ से, ये देखें ऐसे करके इनको पतली से बिल्कुल एकदम से ग्रेवी से बना लेंगे तैयार। मैं इसको करती हूँ मसाले सारे के डब्बे वगैरह समेटती हूँ, ठीक है। तो फिर आपसे मिलते हैं। सैफ पी रहा है चाय, सैफ तो मेरे साथ हमेशा तैयार ही रहता है, चाय दो गुड़ देती हूँ जितनी भी दूँ, लेकिन इसको चाय चाहिए होती है। ये देखिए हो गया तैयार हमारा मसाला। अब इसमें डालेंगे अपने बैंगन, ये देखें ऐसे करके डालेंगे। गोल वाले बैंगन होते हैं ना वो बहुत मज़े के बनते हैं, और उसका टेस्ट भी अलग होता है। ये लंबे वाले बैंगन है, तो 2-3 जगह में गई हूँ तो वहाँ पर यही बैंगन थे, तो दिल कर रहा था आज बैंगन खाने के लिए, तो मैंने कहा चलो यही वाले बना लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो गोल वाले बैंगन है ना वो अक्सर वो ख़राब आ रहे हैं, पीछे से कीड़ा भी आ रहा है उनमें, इस वजह से हम वो लोग ले के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये हमारे मेरे बैंगन हो गए, ये देखे मैंने किस तरीके से इनको रख दिया, ठीक है। और आँच करते हैं बहुत कम स्लो करते हैं, और इसके ऊपर करते हैं इसको ढक्कन से कवर। ये देखें इसको करते हैं कवर और उसको पकने देते हैं। इसको 5 मिनट के बाद आके, आज हवा इतनी है ना कि चूल्हा बार बार बंद हो जाएगा अगर हम आँच कम करेंगे, तो बस इतनी करेंगे और 5 मिनट के बाद आके हम इसको दोबारा से टेस्ट कर लेंगे, मतलब कि देख लेंगे अगर गलती होगा तो उसको दोबारा पलट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर इसमें एंड में हम डालेंगे हरा धनिया, ठीक है। बर्तन बर्तन मैं धो रही हूँ हाथ के हाथ ही, समेट लिया, आटा भी मैंने गूंद लिया, ठीक है। तो अभी मैं जाती हूँ बाहर, कपड़े वगैरह मैं उठाती हूँ, देखती हूँ। और हवा इतनी है ना कि आज बारिश बताई हुई है, 4 तारीख है बारिश बताई हुई है, लेकिन बारिश का कोई नाम निशान नहीं है, लेकिन बादल देखो बिल्कुल अंधेरा हुआ है, ये देखो इस तरफ से, ठीक है। मेरा बेबी भी उठ गया, मैं कपड़े उठाती हूँ, बच्चों ने कपड़े वगैरह सारे सैंड में फेंक दिए हैं, इतनी मुश्किल से कपड़े धुलते हैं, ठीक है। मैं जाती हूँ कपड़े वगैरह उठाती हूँ, तो फिर आपसे मिलते हैं। चलो देखते हैं अपना खाना, माशाल्लाह ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इनको पलट देते हैं, ऐसे करके इन सबको पलट देते हैं। तो हम तो पंजाब में, अम्मी ये दोपहर में ये बनाती थी, तो हम लोग सब बहन भाई बहुत शौक़ से खाते थे ये, पंजाब में बहुत स्पेशल डिशें बनती हैं। ये देखिए वहाँ तो जो मिलता है सब कुछ गर्मी में खा लेते थे, अचार से प्याज से रोटी सब, ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, जो मिलता है खा लेते हैं आराम से। हम बापुर गए थे अपनी पप्पो के वहाँ पर, तो उनके बच्चे पूरे गर्मी अचार और प्याज से रोटी खाते हैं उनके बच्चे, हम हैरान हो गए थे देख के। थोड़ा सा पढ़ने जानेंगे तो आप यकीन करें कि पूरी गर्मी वो बच्चे अचार से और प्याज से रोटी खाते हैं, सब्ज़ी उनकी अपनी लगी होती हैं। अभी हम पंजाब गए थे तो मैंने वहाँ की वीडियो डाली हुई है पंजाब साइड की, तो आप देखें जाके देखें और फिर देखिएगा वहाँ का माहौल कैसा होता है, ना बिजली होती है ना लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। और अभी तो सैलाब की वजह से उन बेचारों के घर भी गिर गए हैं, हमारे फूफो का घर भी गिर गया, एक घर भी गिर गया हमारे फूफो का, और पीछे वाला घर भी हमारा गिर गया, ठीक है। तो आप लोग उन सबके लिए दुआ करें। सही है ये हो रहा है, और धनिया मैंने काट के रख लिया है, ठीक है।
तो चलिए ये तैयार होता था, फिर आपसे मिलते हैं। बेबी भी मेरा उठ गया तो उसको भी देखती हूँ। चलो चूल्हा कर देते हैं बंद। और ये देखो ये हो गया हमारे बैंगन तैयार, ठीक है। और अब इसमें डाल देते हैं अपना हरा धनिया। हरा धनिया उठाते हैं, इसको मैंने धो के काट के रखा है। ये देखिए सही है, ये हो गए तैयार। हटो पीछे। और जो उमर है वो भी सो के उठा है और चीज़ भी लेके आ गए। और क्या लाया पापड़ दिखाओ। वाह खाओगे नहीं खाओगे? चलो हम लोग खाएंगे भी खाना वाना, ठीक है। बैंगन आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ठीक है। चलो शाम का टाइम हो चुका है, हम लोगों ने बिछा लिया बिस्तर, देख लिया हम लोग शाम में यहाँ सोते हैं रात को, ठीक है। मगर के बाद मैं बिस्तर बिछा लेती हूँ। नहीं करो सैफ उमर, बहुत बदतमीज़ हो गए ये दोनों। हट जाओ छोड़ दो इसको। नहीं 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 मारो नहीं मारो नहीं मारो नहीं। बैंगन बनाए थे बहुत मज़े के बने, इनके पापा ने कहा तो बहुत मज़े के बैंगन बने, तो हमने खाना वाना खा लिया था। तो शाम में आज मेरी छुट्टी है, शाम में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, तो बैंगन रखे हुए थोड़े से तो बच्चे वो खा लेंगे, ठीक है। चलो अगर आपको हमारी बैंगन की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर करना, और पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा बहुत मज़े का लगता है, ठीक है। मौसम हमारा बहुत ज़बरदस्त हुआ है आज का, ठीक है। हम लोग तो यहाँ सैंड में सोते हैं, और अभी तक देखो हम लोग लिहा पड़ के सोते हैं, क्योंकि रात को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है हमारे घर में, हमारा घर ऊपर का है ना, इसलिए चलेंगे हम इंशाल्लाह तआला आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बोलो सैफ, पहले अल्लाह हाफिज़ बोलो, बस बदतमीज़ हो गए भी आप। अल्लाह हाफिज़ बोलो, अल्लाह हाफिज़।